स्टडीज वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट्स का थर्ड चैप्टर का टेस्ट हो चुका है, तो अब मैं फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से हम पहले करना सीखेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड हैं, दैट इज एक्सरसाइज 4.21 फर्स्ट क्वेश्चन, 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जांपल नंबर 5, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस समझिए। पॉलीनोमियल आप सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं, तो देखिए ध्यान से, पॉलीनोमियल में क्या होता था, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू c, b और c कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है, बट a इज नॉट जीरो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक मीन्स ऐसा पॉलीनोमियल या ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, मींस डिग्री 2 हो, ठीक है। तो अगर a 0 हो गया तो ये x स्क्वायर टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो ये लीनियर बन जाएगी, ठीक है ना। लीनियर पावर 1, क्वाड्रेटिक पावर 2, क्यूबिक पावर 3, राइट। और यहाँ पर ऐसे x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलीनोमियल जीरो होता है, उसको हम कहते थे जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है, और अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते थे, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलीनोमियल में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन में इक्वल टू जीरो आएगा, इक्वेशन होगी वो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी, बीच में इक्वल साइन होगा, ठीक। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, हियर a इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन, राइट। एंड वहां पर हम जीरोस कहते थे, यहां रूट्स कहते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। वैल्यू सेम होती है, जो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस होंगे वो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करें तो उसके रूट्स होंगे, ठीक है। तो रूट्स को यहाँ पर भी आप, अगर हम जीरोस अल्फा बीटा है तो रूट्स को भी आप अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आपसे खाली रूट्स पूछा जाता है। यहाँ पर तो पॉलीनोमियल में आपसे रिलेशंस भी थे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो वहाँ अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर एज सच कुछ नीड नहीं होती है, बस आपसे रूट्स पूछे जाते हैं, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, वो वैल्यू जिस पर ये पॉलीनोमियल, ये इक्वेशन जीरो, ठीक है। तो कहने का मतलब है द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज सेम एज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब आइए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है, और b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं हम एग्जाम्पल्स में देखिए ध्यान से, खाली एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर टर्म होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर -1 = 0, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। एक्स स्क्वायर 2x² + x = 0, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। आगे देखिए, अब आपकी एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू चेक वेदर द विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, ठीक है, पहले सिंपल इजी टू हार्ड कॉन्सेप्ट चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मैंने इसका एक पार्ट लिया है, लास्ट पार्ट x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 होल क्यूब, ठीक है। देखने से तो लग रहा है कि ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, पावर 3 आ रही है हाईएस्ट पावर, लेकिन जब तक आप इसको सिंप्लीफाइड नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आप इसको सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई में LHS तो कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं, RHS हो सकता है, RHS में a - b होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, यस, a
minus b whole cube. It is a cube minus b cube minus 3a square b or plus 3ab square. इस तरह से लिखे हम, या हम ऐसे लिखे a cube minus b cube minus 3ab bracket a minus b. एक ही बात है ना, आप 3ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, राइट? तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. देखो a cube minus b cube minus 3a square b, that is x square b, b is 2, plus 3x into b square, that is 2 square. सिंप्लीफाई किया तो देखा x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, और स्टेप बाय स्टेप x स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ लिखा, x टर्म्स को एक साथ लिखा, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लाए, तो माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 3 टू जा 6x स्क्वायर, साइड चेंज करेंगे प्लस 6x स्क्वायर, माइनस x, इधर आएगा 2 टू जा 4, 3 जा 12, प्लस 12x, साइड चेंज करी माइनस 12x, 1, और इधर आया था माइनस 8, साइड चेंज करके प्लस 8 हो गया. सिंप्लीफाई करा, we get 2x square minus 13x plus 9 equal to 0. क्या ये इस फॉर्म का है? क्या ax square plus bx plus c equal to 0 फॉर्म का है? Yes, it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not 0, x square term होनी चाहिए, इससे higher power term नहीं हो, ठीक है, x square term जरूर हो, lower power में कुछ हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी आपको बताया x square equal to 0, it is also a quadratic equation. B and C can be 0, A cannot be 0, ठीक है, और 2 से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, क्यों पावर 4 ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. So it is a quadratic equation. अब आप इसके बाकी पार्ट्स ट्राई करेंगे, ठीक है. ये जो थोड़ा सा मुझे सबसे टफ पार्ट लगा वो मैंने आपको समझा दिया. एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स करेंगे, और इसी तरह से इसमें एक एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें आपको वही चेक करना है वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट. सिंप्लीफाई करिए, और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं. ओके, अब इनको इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं. पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन करना आप 9th में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, 10th में भी आपने पॉलिनोमियल में फैक्टर्स करके जीरोस निकाले थे, याद है? बिल्कुल वही काम यहाँ करना है, बस यहाँ पर इक्वल टू साथ शुरू में जीरो गिवन है. फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड. मैं एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट ले रही हूँ जो मुझे लगा कि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है. कुछ सिंपल पार्ट है, बोलो आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे. यहाँ देखिए फोर्थ पार्ट है 2x square minus x plus 1 upon 8 equal to 0. आपको मैंने कई बार बताया है कि जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको रिमूव करिए. रिमूव करने का क्या मेथड है? फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं आप उनका एलसीएम लीजिए, ठीक है, और उस सारी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे सपोज एक एग्जांपल से लेती हूँ, यहाँ देखिए सपोज हमारी इक्वेशन होती 2x square minus 1 upon 3x plus 1 upon 2 equal to 0, कुछ इस तरह की इक्वेशन होती, ठीक. तो हम क्या करते, 3 और 2 का एलसीएम हुआ 6, 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, 6 into 2x square minus 6 into 1 upon 3x plus 6 into 1 upon 2 equal to 0. अब आप देखोगे ये सब कैंसिल हो रहा है, 6 to 12x square, 3 2 जा 6 तो ये आ जाएगा 2x, 2 3 जा 6 ये आ जाएगा 3 equal to 0. एक दूसरा एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर फ्रैक्शन में आए तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, आपकी इक्वेशन देखो कितनी सिंप्लीफाइड है, फ्रैक्शन में खत्म हो जाएगी कोफिशिएंट, राइट. यहां देखिए अपॉन में 8 है, क्या करेंगे, 8 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान से करना आप 8 टू जा 16 यहाँ करेंगे, माइनस 8 यहाँ होगा, जब यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, राइट. देखिए हो गया सिंप्लीफाइड,
8 2 जा 16 x स्क्वायर माइनस 8 x, इधर 8 से मल्टीप्लाई करा कट हो गया टू जीरो। अब आगे समझो, जिन्हें अभी भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आता है फैक्टराइजेशन, उनको मैं दोबारा से एक बार समझा रही हूँ किस तरह से करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आया 16 वन जा 16। ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा रही हूँ, क्योंकि इसमें 10th क्लास के स्टूडेंट भी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, क्या कहा, 16 वन जा 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर्स की प्लस करने पर ये आपके पास जो कॉन्स्टेंट का साइन है प्लस है, ठीक है, तो प्लस करने पर आपका क्या आना चाहिए, 8। साइन ये देखना है, नंबर ये लाना है, इस साइन को भूल जाओ, समझ में। ठीक, 16 के फैक्टर्स करें। अब मैंने आपको बताया कि 16 इस तरह से नंबर आए, तो फैक्टर्स आप प्राइम फैक्टर ना करें, ऑल फैक्टर करें। कैसे, 1 into 16 होता है, देखा प्लस करने पर 8 आ रहा है, नहीं 17 आ रहा है, 2 8 जा 16, फिर 2 से करा, 2 8 plus 8 10 होता है, नहीं होगा, फिर 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से देखा 4 4 जा 16, यस दोनों को प्लस करके 8 आता है। समझ में क्या करना है, फिर से समझो, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उसके ऑल फैक्टर्स देखो, ऑल फैक्टर्स में फिर जो कॉन्स्टेंट टर्म का साइन है प्लस करने पर चाहिए कि माइनस करने पर चाहिए, प्लस यहाँ साइन देखेंगे, तो यहाँ प्लस साइन है, तो प्लस करने पर 8 आना चाहिए, तो देखा 4 plus 4 8 होता है। ठीक, अब एक एक स्टेप ध्यान से करेंगे, देखो क्या करना है आपको, अभी आपको बताया कि 4 plus 4 करके 8 आएगा, तो आप ब्रैकेट लगा के 8 के प्लेस पर 4 plus 4 लिख दो, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा और x बाहर आ जाएगा, आगे का साइन सेम रहेगा, यहाँ माइनस साइन है, इसको एज इट इज रखो, काफी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स इसमें, ध्यान से समझना। ठीक है, अब आगे देखो, आगे माइनस साइन है, एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है, साइन चेंज होंगे और एक्स से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये हो गया माइनस का 4x, ये भी माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। कॉमन लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है, यस, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आया, 4x माइनस 1, यहाँ दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, ठीक, अगर आपने सही किया है, साइन भी बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक, यहाँ जैसे साइन सेम नहीं है, यहाँ माइनस 4x प्लस 1 है, तो माइनस 1 कॉमन दे दिया, माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी साइन चेंज होते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो भी साइन चेंज होते हैं। ओके, तो माइनस 1 कॉमन लिया तो 4x पॉजिटिव हो गया, 1 नेगेटिव हो गया, देखो अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, 4x माइनस 1 और अंदर क्या बचा, 4x और माइनस 1। ठीक है, तो ये बन गया, दोनों सेम आ गए फैक्टर्स, ठीक है, दोनों सेम है, तो 4x माइनस 1 की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू आ गई 1/4, और क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। ठीक है, अब वो रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो रूट्स आर, क्योंकि क्वाड्रेटिक थी तो आप अगर एक रूट आ रहा है, दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, तो आप दो बार लिखेंगे उसको, 1/4 and 1/4, कहने का मतलब है दोनों रूट्स की वैल्यू सेम है, 1/4 and 1/4। और समझो, जैसे हमने इसको यहाँ पर इस तरह से लिखा था 16x² - 8x + 1, अगर कुछ स्टूडेंट्स को आइडेंटिटीज की अच्छे से प्रैक्टिस हो तो आपको ये यही दिखाई दे रहा है कि ये a² + b² - 2ab फॉर्म का है। देखो ध्यान से, इट इज a² + b² राइट माइनस 2 into a into b = 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे 4x माइनस 1 whole square = 0, तो आपके ये 4 स्टेप बन जाते हैं। समझ में, ठीक है, तो अगर आइडेंटिटी समझ में आ रही है तो जरूरी नहीं आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही करें,
आपको लग रहा है कोई आइडेंटिटी लग गई सॉल्व हो रहा है, आपको प्रैक्टिस है उतनी, तो आप उस तरह से कर दीजिए, नहीं तो स्प्रेडिंग मेथड कम से करेंगे। ओके, और देखिए आगे। यस, इसका थर्ड पार्ट है, इसमें रूट है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, मैडम ये रूट आ गया आप कैसे करें इसे, समझो ध्यान से कॉन्सेप्ट, फिर वही क्या करना है आपको, देखो क्या बताया था, रूट टू और फाइव रूट टू को मल्टीप्लाई करो, ये बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करा, कितना आया फाइव रूट टू इंटू रूट टू, टू फाइव टू या टेन, ठीक है। अब समझो आगे, फिर क्या बताया था, 10 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि प्लस करने पर 7 आए। अब देखते हैं, 1 10 जा 10 नहीं होता, 2 5 जा 10 हो गया काम, 5 प्लस 2 7, साइन ये देखना है कांस्टेंट का, और नंबर मिडल वाला आना चाहिए एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 प्लस 5 करेंगे या 5 प्लस 2 कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो आगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस कहाँ था एज इट इज रखेंगे, 7 के प्लेस पर लिखेंगे 5 प्लस 2, ठीक है, एक्स प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0, राइट। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंस आगे प्लस साइन है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0, ठीक। तो आगे देखेंगे, अब देखो आगे, अब इसमें कॉमन लेना, किस तरह से आप कॉमन लेंगे उसको समझो, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, यहाँ पर 2 है और यहाँ रूट टू है, अब ध्यान से समझना, इधर देखो यहाँ समझो, ये रूट टू है, यहाँ 5 है, तो 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आता, ठीक है। यहाँ देखा इधर 2 है, इधर 5 रूट टू है, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रूट टू को ब्रेक कर देते हैं, कैसे, 2 को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 को लिखा रूट टू इंटू रूट टू, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको 2 को बना दिया रूट टू इंटू रूट टू, ठीक। क्यों करा इस तरह से ब्रेक, इस तरह से हमारे पास कॉमन लेना ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी रूट टू है, यहाँ भी रूट टू है, या जिनको प्रैक्टिस है वो 2 में से अगर रूट टू कॉमन लेंगे, क्योंकि रूट टू को रूट टू इंटू रूट टू 2 होता है, ठीक है। तो अगर हम रूट टू कॉमन लेंगे इसमें से, तो एक रूट टू बचेगा, राइट, ठीक है। यहाँ 2x आया था, तो 2x को मैंने लिखा रूट टू इंटू रूट टू, क्यों, क्योंकि जब मैं दूसरे इससे कॉमन लूंगी तो यहाँ पर रूट टू है, तो रूट टू कॉमन लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से हुआ, ठीक। अब आगे देखो, 2 और 5 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, ये रूट टू है, ये 5 है, तो यहाँ से क्या कॉमन लिया, x कॉमन आ रहा था, x कॉमन लिया, बचा रूट टू एक्स प्लस 5। यहाँ से अगर एक टर्म से रूट टू है, दूसरा 2 है, तो आप, मैंने आपको पहले ही बताया, आप उसको ब्रेक कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ से रूट टू कॉमन लिया, तो बचा रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ब्रेक करने में कॉमन लेना इजी हो जाता है, समझ में आता है तुरंत क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, रूट टू एक्स प्लस 5 और रूट टू एक्स प्लस 5 दोनों सेम आ गए, तो रूट टू एक्स प्लस 5 बचा क्या, एक्स प्लस रूट टू, ठीक। आगे देखिए, अब किन्हीं भी दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, या आप सिंपल समझो, किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, कोई भी दो नंबर, कोई भी ले लो दो नंबर, a इंटू b इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या, यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब है क्या किसी दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, कोई भी दो नंबर आप सोच के देखिए, क्या उनको नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, क्या उनको मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, नहीं आएगा। 0 कब आएगा, या तो a 0 हो तब 0 बनेगा, या b 0 हो, या दोनों 0, है ना,
है ना, कम से कम एक तो जीरो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो ये फैक्टर जीरो है फर्स्ट फैक्टर, या सेकंड फैक्टर जीरो है। इफ फर्स्ट फैक्टर इज जीरो, रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से वैल्यू निकाली रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, और एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फाइव अपॉन रूट टू। जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स उल्टा लिख देते हैं, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में जाएगा, साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी देखो, इफ x प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू माइनस रूट टू। सो रूट्स आर, लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखिए जो भी दोनों वैल्यूज आई हैं, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकती है, तो उसको समझने के लिए आप वीडियो को वाइंड करके देखें, बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल और ले रही हूँ मैं, एग्जांपल नंबर फाइव, जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन दिया था उसमें फर्स्ट और लास्ट में रूट था, यहाँ पर मिडिल में रूट है, ठीक है। तो ये भी बच्चों को कम समझ में आता है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ देखिए, मैं साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी। थ्री टू जा सिक्स, समझना, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करा, क्या आया सिक्स, ठीक। अब हमें सिक्स के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें एक फैक्टर तो रूट सिक्स हो, कहने का मतलब है एक फैक्टर तो सिक्स होना चाहिए। अगर बीच में रूट आ रहा है तो आपको फैक्टर करना और इजी हो जाता है, कैसे, कि जो रूट के अंदर नंबर है वो फैक्टर तो होना चाहिए, तो इसका मतलब एक ही फैक्टर बनता है वन सिक्स जब सिक्स, ठीक। आई बात समझ, फिर से समझो, थ्री टू जब सिक्स करा, सिक्स में ऐसे फैक्टर लेने हैं कि एक फैक्टर सिक्स हो, जो रूट के अंदर नंबर है वो होना चाहिए। यहाँ थ्री होता, रूट थ्री होता तो हम ऐसे फैक्टर लेते कि थ्री एक फैक्टर हो, एक फैक्टर पता चल जाए दूसरा तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि रूट में सिक्स है तो सिक्स के फैक्टर्स में एक सिक्स होना चाहिए, तो सिक्स वन जा सिक्स, ठीक है। अब आगे देखो, सिक्स को फिर से फैक्टराइज करेंगे रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स, ठीक है, आई बात समझे। और वन के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर टू आए तो ये हो गया वन बन जाओ, फिर से समझेंगे, यहीं यही पार्ट समझने का है इसमें, बाकी आप लोग कर लेंगे। समझो फिर से, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स के ऐसे फैक्टर्स की रूट के अंदर वाली वाला नंबर आ जाए, तो देखा वन सिक्स जा सिक्स, ठीक है। फिर उस सिक्स को तो फैक्टर करके रूट सिक्स मिल गया, और जो दूसरा फैक्टर है उसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पर आगे वाला नंबर आए, रूट के आगे वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर टू है तो वन के ऐसे फैक्टर करें, वन वन जा वन, वन प्लस वन, इन दोनों को प्लस करके टू आता है, ठीक है। और रूट सिक्स और रूट सिक्स, एक तो रूट सिक्स होना ही चाहिए और आगे का नंबर दूसरे नंबर को फैक्टर करके आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ देखो, अब हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, एक रूट सिक्स के साथ एक नंबर ले लो, ठीक है, रूट सिक्स और वन को ले लिया, और दूसरे के साथ ये वाला रूट सिक्स के साथ ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर बन गए वन रूट सिक्स और वन रूट सिक्स, ये हो गया रूट सिक्स रूट सिक्स। आप देखो मल्टीप्लाई करके सिक्स आ रहा है और प्लस करके, दोनों को प्लस करेंगे तो टू रूट सिक्स आएगा, यही नंबर आएगा, ठीक है। क्या करा हमने, 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 रूट 6 को लिखा, रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस साइन बाहर एज इट इज, ठीक है, इनटू x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। आगे देखो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज किया, x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, राइट, प्लस 2। अब आगे समझना जो मेन पार्ट, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि जैसे यहाँ रूट सिक्स है
ठीक है। तो रूट सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं कि इस तरह से कि जैसे यहाँ पर थ्री आ रहा है तो रूट सिक्स को लिखा रूट थ्री इंटू रूट टू। ठीक, अब इसके तो फैक्टर हो गए, अब थ्री के फैक्टर, क्योंकि हमें रूट थ्री इधर रूट थ्री आ रहा है तो यहाँ भी रूट थ्री, तो थ्री को लिखा रूट थ्री इंटू रूट थ्री। देखो ध्यान से इस तरह से, ये मेन स्टेप है इसका, पहले तो यहाँ पर आना चाहिए आपका सही स्टेप, इसके बाद ये आपका थर्ड स्टेप में वो। ठीक, अब यहाँ देखो थ्री को लिखा रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स स्क्वायर, रूट सिक्स के और फैक्टर कर दिए रूट टू इंटू रूट थ्री, यहाँ भी लिखा रूट टू इंटू रूट थ्री, सिंस यहाँ रूट टू आ रहा है तो टू के भी फैक्टर कर दो रूट टू इंटू। अब देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब आप कॉमन लेंगे, कॉमन लिया यहाँ से रूट थ्री एक्स कॉमन है तो बचा रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, यहाँ से माइनस रूट टू कॉमन लिया क्योंकि एक्स हमें पॉजिटिव चाहिए तो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, आगे तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा माइनस रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू एंड माइनस रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, दोनों फैक्टर सेम आ गए। इफ रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू रूट टू अपॉन थ्री। ठीक, सो आंसर इज रूट्स आर रूट टू अपॉन रूट थ्री एंड रूट टू अपॉन रूट थ्री, दो बार आप जरूर लिखेंगे क्योंकि हमें दो रूट्स चाहिए, इक्वेशन है तो हम रूट्स बोलेंगे, पॉलिनोमियल होता तो जीरो से। ओके, तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स की वैल्यूज निकालनी है, रूट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे कंप्लीट, इसके कुछ पार्ट्स मैंने बता दिए हैं और एग्जांपल नंबर 3 4 5 मैंने करवा दिया है आपको, 3 4 एग्जांपल करेंगे और साइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो पार्ट्स बच गए हैं, 3 पार्ट्स रिमेनिंग है, तो आप लोग करेंगे। ठीक है, आज आप फैक्टराइजेशन मेथड से प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू निकालना बताऊंगी किस तरह से निकालते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।